नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बकराइच जनपद में थाना क्षेत्र नवाबगंज के विभिन्न गांवों से कांवरियों का जत्था कांवड़ समिति के नवाबगंज के नेतृत्व में सावन माह का पहला पद यात्रा आज बड़े धूमधाम के साथ भारत नेपाल सीमा स्थित राप्ती नदी से पवित्र जल भरकर श्री मंगलिक नाथ धाम के लिए रवाना हुआ। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा समिति अध्यक्ष पिंटू गुप्ता के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर हर हर महादेव व बोल बम जय घोष करते अपने आराध्य देव देवों में महादेव का जल अभिषेक करने के लिए नंगे पांव चल दिया। कांवड़ यात्रा में बूढ़े बच्चे व महिला भी भारी संख्या में दिखाई पड़ी और इस अवसर पर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था थाना प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह और भारी पुलिस बल के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहे। हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवर भारत नेपाल सीमा स्थित राप्ती नदी में स्नान किया, तत्पश्चात जल भर कर करीब 20 किलोमीटर यात्रा तय करते हुए जमदान बैदरौर चौराहा होते हुए न्यूमुनिहर चौराहा कस्बा नवाबगंज के रास्ते गुजर श्री मंगलिक नाथ धाम पहुँचे और अपने इष्ट देव हर हर महादेव को जल अभिषेक कर अपनी मनौती का कामना पूर्ण किए। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में मेला का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। क्षेत्र शिव भक्तों के द्वारा जल पान भंडार का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने जलपान किया और प्रसाद ग्रहण किया। इसी मौके पर कांवरिया समिति के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता, श्याम लाल गुप्ता, ओम प्रकाश, उमेश गुप्ता, अनूप कुमार मिश्रा, विजय कुमार जायसवाल, मुन्ना गुप्ता तमाम लोग मौजूद रहे। जलाभिषेक किया जा रहा है, राप्ती नदी से जल भरा जा रहा है, इसकी क्या रूपरेखा है? कांवरियों द्वारा नवाबगंज श्री मंगलीनाथ धाम कांवरिया संघ द्वारा ये जलाभिषेक आज से 20 वर्ष पूर्व हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की थी। हमारे कांवरिया संघ के सभी पदाधिकारी जो संस्थापक सदस्य हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, श्यामलाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, उमेश गुप्ता, विजय जायसवाल, घनश्याम गुप्ता, प्रमोद, अंकित, सब बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिन लोगों ने आज से 20 वर्ष पूर्व श्री राप्ती तट खोलिया से जलाभिषेक आरंभ किया था और भोलेनाथ की कृपा है इस बार हम लोग 20वां वर्ष अपना पूरा कर रहे हैं। कुछ तुष्टियां पिछले वर्ष हो गई थी, किन्हीं कारणों से कुछ एक घटना घट गई थी जिसमें हमारे दो कांवरिया बंधु को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बार उससे सचेत होकर कांवरिया संघ द्वारा एवं प्रशासन द्वारा उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन ने हमारी मांग पे सुरक्षा व्यवस्था की। क्या व्यवस्था बनाई गई है? सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, जगह जगह पे फोर्स तैनात की गई है। आदरणीय जैसा सीओ साहब ने हमसे कहा था कि हम जगह जगह पे आपके लिए फोर्स तैनात करेंगे, आपकी यात्रा में दो फोर्स की गाड़ियां बराबर साथ में स्कॉर्ट करती हुई चलेंगी। और इसके अलावा हमने उपजिलाधिकारी महोदय से एम्बुलेंस की मांग की थी, गोताखोर की मांग की थी, नाव की मांग किया था, तो इस बार घाट पे हमें गोताखोर भी मिले हैं, एम्बुलेंस भी मिली है और नाव भी मिली है। कुल मिला के हम प्रशासन की इस व्यवस्था से इस बार पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। प्रशासन ने जो पिछले बार चूक की थी उस तरीके की कोई चूक देखने को नहीं मिली है। प्रशासन ने जैसा कहा था वैसा पूरा किया है। आगे हम लोग भोलेनाथ को जल अभिषेक के लिए यहाँ से चल के नवाबगंज हनुमान मंदिर होते हुए श्री बाबा मंगलीनाथ धाम पर जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक के बाद वहाँ एक कांवरिया संघ द्वारा भंडारा का आयोजन किया जाता है, उस भंडारे के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।